अगर आप कमर के दर्द में मुब्तला हैं तो वर्ल्ड स्पाइन डे 16 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, घरेलू ख्वातीन हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, तो मेरी कमर के दर्द के हवाले से मौजूद इस वीडियो को देखें, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा एहतियातें, चीज़ें, उसकी मॉडिफिकेशन और उससे कैसे बचा जा सकता है, वो सब डिस्कस किया है। थैंक यू। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा नियाज़ी है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में मैं HOD हूँ और मैं आदिल हॉस्पिटल डिफेंस में लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 21 से 22 साल से। आज वर्ल्ड स्पाइन डे है, 16 अक्टूबर है, और इस हवाले से मैं फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते आपसे मरहम के प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। वर्ल्ड स्पाइन डे का मतलब यह है कि हम अपनी कमर को कैसे ही बचा सकते हैं और कमर की दर्द की वजूहात क्या हैं और उससे हमें कैसे बच सकते हैं। कमर दर्द जो है वो मस्कुलोस्केलेटल ओरिजिन की जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, जिसको मैकेनिकल दर्द कहते हैं। ये ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक इसकी वजूहात हो सकती हैं, जैसे आम सुनने में आता है, जी मुझे चुक पड़ गई, या ये जो इसको हम कहते हैं कि आपने अपने पोस्चरल जो करेक्शन होती है वो उसके साथ आप पोस्चरल करेक्शन करेंगे, पुअर पोस्चर्स के साथ जो पेन कमर का दर्द शुरू हो जाता है और कमर जो है वो आप देख सकते हैं कि आपकी स्पाइन जो है वो आपके गर्दन के नीचे से लेके आपकी दुमची की हड्डी तक का ये सारा हिस्सा स्पाइन है, इसको स्पाइन कहते हैं। जैसे गर्दन है, फिर आपके ये कंधों के बीच में ये हिस्सा है और फिर ये लो बैक पेन है, ये लो बैक पेन है और फिर आपको दुमची की दर्द की जो है यहाँ तक, इसको कॉक्सिक कहते हैं, ये है। अब ये सारी स्पाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आपने इसका कैसे ख्याल रखना है। कमर दर्द जो है वो एक वर्ल्ड बर्डन डिजीज़ है। 540 मिलियन लोग कमर दर्द का शिकार हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए हमें इस ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करनी है। लॉन्ग सिटिंग्स, लॉन्ग स्टैंडिंग्स और पुअर पोस्चर्स जो हैं वो इसकी वजूहात हैं कमर दर्द के लिए। अब इससे हमें, हम अपनी सेल्फ केयर करते हुए इससे बच सकते हैं। अब इसमें टारगेट पॉपुलेशन जो हमारे पास, मेरे पास क्लिनिक में रिपोर्ट होती है और आज इन कोविड के दिनों में और पिछले 20-22 साल से जो मैंने देखा है कि कमर के दर्द की जो टारगेट पॉपुलेशन है, डेस्क जॉब वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ आजकल बढ़ गई हैं, डिजिटल बहुत ज़्यादा, वो डिजिटल डिजीज़ हम इसको कहने लग गए हैं, जिसमें गर्दन का बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, कमर दर्द, ये बहुत ज़्यादा आम है। इसी तरह हामला ख़वातीन और दूसरी घरेलू काम करने वाली, घर में काम करने वाली ख़वातीन, हाउसवाइफ जो हैं, उनमें कमर का दर्द बहुत ज़्यादा, और हामला ख़वातीन में भी कमर का दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब इन सारी चीज़ों, ये तो सारी इसकी वजूहात हैं, ये इसकी सारी टारगेट पॉपुलेशन है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे अपने, इनकी वजूहात ये हैं कि ये अपने पोस्चर का ख्याल रखें। इसके लिए हम 6-7 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि वो अपने आप को कैसे कमर दर्द से बचा सकते हैं। ऑफिस वर्कर्स हैं, डेस्क जॉब वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे लोग अपने आप को इस तरह से अपने कर सकते हैं कि जैसे वो अपनी पोजीशन, सिटिंग की पोजीशन में अपना गुड पोस्चर अडॉप्ट करेंगे। जैसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन को आई लेवल पर रखेंगे, 90 डिग्री की पोजीशन पर अपना सिटिंग रखेंगे, मीन कि आपकी अपर बॉडी को आपकी हिप के साथ 90 डिग्री बनेगा और आपकी नी आपके फुट के साथ 90 डिग्री बनाएगी और पांव के नीचे फुट रेस्ट रखेंगे इस तरह से। और फिर अगर आपकी अच्छे कंटोर वाली चेयर है तो फिर तो वो बहुत मुनासिब है। अगर उसकी चेयर की शेप सही नहीं है तो फिर आप एक जो कुशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रॉपर शेप का होता है। ये चीज़ें आप लॉन्ग सिटिंग्स वाले लोग अपना अडॉप्ट कर सकते हैं। एल्बो सपोर्टेड रखें, फुट स्टेप पाँव के नीचे रखें, कमर के पीछे कुशन रखें और अपना स्क्रीन जो है वो आई लेवल पर रखें। ये आपने मॉडिफिकेशन कर ली लॉन्ग सिटिंग वाले, टीचर्स, ऑफिस वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर यूज़र्स के लिए। अब आगे हमारे ख़वातीन का जो है, घरेलू ख़वातीन हों या और उनमें एक बड़ी तादाद हमला ख़वातीन, हमला ख़वातीन अपनी कमर का बहुत ज़्यादा ख्याल इस तरह से रख सकती है। प्रेगनेंसी के साथ बहुत कॉमन है कमर दर्द, उसमें यही है कि आप अपने पोस्चर का ख्याल रखें और अपने आप को टोटली बेड रिडन मत करें, अपनी एक्टिविटी रोज़ाना की मामूल की ज़रूर करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, कैल्शियम का डाइट का ख्याल हर बंदे को इस तरह से करना है कि धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लेना है,
कैल्शियम, विटामिन डी, दूध, दही, इसका इस्तेमाल करें। और हमला ख़वातीन जब विटामिन डी, कैल्शियम और जो फोलिक एसिड्स हैं, इन सारी चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, अगर वो इसको नेचुरल तरीके से इस्तेमाल कर चीज़ों से कैल्शियम विटामिन डी लेना शुरू कर दें तो उनकी नॉर्मल डिलीवरीज बहुत मुमकिन होती हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक बढ़ता है उनका ओरल वो लेती हैं, उसकी वजह से ये होता है कि हड्डियाँ और पट्ठे जो हैं वो सख्त हो जाते हैं बच्चों के, और फिर आपके आप सेक्शन की तरफ जाते हैं, और सेक्शन की तरफ जब आप जाते हैं तो आपका स्पाइनल इंजेक्शन यानी कमर में दर्द का टीका कमर में टीका लगता है जिसकी वजह से आपकी फिर डिलीवरी होती है, स्पाइनल इंजेक्शन, और स्पाइनल इंजेक्शन फिर आपकी कमर दर्द आपके साथ चलती है, वो 3-4 साल आपके साथ रहती है। इसी तरह फिर अगर आप लॉन्ग सिटिंग्स करते हैं तो फिर लॉन्ग सिटिंग्स में अगर आपको सिटिंग में बहुत ज़्यादा दर्द है यानी कि आपकी दुमची की हड्डी में दर्द है, उसमें आप ये कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हम कहेंगे कि जैसे हमने कहा कि हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, चीज़ों को सेट कर लें, उसके बाद हमने कहा कि कुछ डाइट का ख्याल रखें, फिर हमने कहा कि हमने कुछ एहतियातें करनी है। एहतियातों के लिए हमें ये करना है कि जैसे हमने बताया आप चीज़ों को इस तरह मॉडिफाई करें अपनी चीज़ों की, फिर आपने घर में बेड का ख़ास ख्याल रखना है, आपका बेड जो है वो स्प्रिंग मैट्रेस हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ऑर्थो मैट्रेस यूज़ करें या फिर जो कसी हुई चारपाई है वो तो बेस्ट है अगर इस्तेमाल करें तो, उसमें ये होता है कि आपको लचक के साथ एक ख़ास टाइटनेस भी आ रही होती है, वो कमर के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा सिटिंग में दुमची की हड्डी में दर्द है तो फिर आप वहाँ पे एक एयर कुशन, रिंग कुशन होता है जिसको आप रख सकते हैं, तो आपकी ये दुमची की हड्डी उस खला में आती है तो आपको इस दर्द से बच सकते हैं। आपके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आप एक ख़ास तकिया शेप, एक ख़ास कंटोर वाला तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने तकिए के नीचे, बहुत ऊंचा तकिया ना लें, अपने तकिए के नीचे एक छोटा सा कुशन ऐड करके अपने इस एरिया को जहाँ पे आपका ये शेप ऐसे कर्व्ड बनती है उसको फिल करके सो सकते हैं। और एहतियातों में हम बात करें तो आपने करवट पर उठना है हमेशा, अपनी कमर के दर्द से बचने के लिए आपने हमेशा करवट लेनी है और फिर उठना है, पाँव के बल ज़मीन पर नहीं बैठना, ये जो बेड है वो इस तरह का इस्तेमाल करें। और मर्द हजरात जो हैं वो अपने पर्स को अपने पॉकेट में रख के मत लॉन्ग सिटिंग्स में बैठें, जब वो कमर के ये पैंट की पिछली पॉकेट में पर्स रखते हैं, वॉलेट रखते हैं, तो उससे उनकी दर्द अब बढ़ना शुरू हो जाती है और उनको वजह मालूम नहीं होती। फिर ख़वातीन जो हैं वो अपने जूते का ख़ास ख्याल रखें, जूते में 1 से 1.5 इंच मोटा सॉफ्टी वाला शूज़ इस्तेमाल करें ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके अच्छे तरीके से मेनटेन हो सके। इसी तरह फिर आप जो है अपना इसको वर्जिशों को अपना मामूल बनाएं। कुछ चीज़ें जो हैं, अगर आपको कमर का दर्द है आप ज़िंदगी में फिजियोथेरापिस्ट से ज़रूर मिलें, उनके मशवरे पे अमल करें, अपना दर्द जो है वो उसका इलाज करवाएं, और कुछ चीज़ें अपने सीख जा लें कि आपको अपनी चीज़ों से जो दर्द की वजह है उससे कैसे बच सकते हैं। जैसे ख़वातीन है प्रोफेशनल टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे ख़वातीन ज़मीन पर रख के सिलाई की मशीन चलाती हैं और फिर दर्द में मुब्तला होती है, उसमें गर्दन का दर्द भी कॉमन है और फिर वो बाजू में रेडिएट होना शुरू हो जाता है और फिर आपकी कमर का दर्द और फिर कमर का दर्द फिर टांग में आ रहा होता है जिसको आमतौर पर शैटिका कहते हैं, वो दर्द आना शुरू हो जाता है। इन सारी चीज़ों अब कमर वो जो सिलाई मशीन चलाने वाली खातून है वो अगर उसको टेबल पर रख के चलाएगी प्रॉपर सिटिंग से तो वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या सिलाई मशीन यूज़ कर रहे हैं, आप अपना पोस्चर वही रखें, इससे आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर वर्जिशों में लाइट सी वर्जिशें हैं, ऑफिस वर्कर्स जो लोग हैं वो 6-7 घंटे 6-7 बजे तक अगर जॉब करते हैं तो उस दौरान में उनके जोहर और असर की नमाज आती है, तो नमाज इटसेल्फ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको एक ख़ास फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको ख़ास पोस्चर में नमाज में जाना पड़ता है, वो आपके लिए बहुत मुफीद है। और इसके साथ अगर आप उसी एक्सरसाइज मैट के साथ, इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, अगर आप जोहर और असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वहीं पे आप सीधे लेट के कुछ एक्सरसाइजेज हैं उनको आप हिस्सा बना लें अपनी ज़िंदगी का, आपने वो जो पीछे इतने घंटे काम किया उसके बाद अपने आप को इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप एक लेट जाएँ सीधे और एक टांग को पेट के साथ बिल्कुल मिला लें, और उस टांग को पेट के साथ मिला के सीधा कर लें, फिर दूसरी टांग पेट के साथ मिलाएं और सीधी कर लें, जब ये हो जाए 8-10 दफ़ा फिर आप दोनों टांगों को पेट के साथ मिला लें। अब आपने अपनी पूरी कमर को पूरे दिन में आप यूं बैठे रहे, अब आपने उसको पूरा स्ट्रेच करके उसकी पेन रिलीज़ कर दी, उसको मज़ीद इकट्ठा नहीं होने दिया, वो दर्द आप पालते नहीं रहे इस तरह से। फिर आप अपने ये दो एक्सरसाइजेज करने के बाद फिर आप अपने दोनों घुटनों को दाएँ और बाएँ मोड़ें,
फिर दोनों घुटनों को जोड़ लें और दाएं और बाएं मोड़ लें। आपने अपने कूल्हे जो सारा दिन यहाँ रखे बिल्कुल इस पोजीशन पे 90-90 पे, अब आपने इसको मोबाइल कर लिया और उसके साथ फिर आप उल्टे लेटने वाली बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें आप अपने उल्टा लेट के कमर उठाएँ और रख दें, फिर सर और कंधे उठाएँ और रख दें, और फिर बारी बारी एक एक टांग उठाएँ और रख दें। ये 3-4 एक्सरसाइजेज, फिर पुल बना सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ब्रिजिंग करें। तो इस तरह की 3-4 चीज़ें आप कर सकते हैं और अपनी कमर का ख़ास ख्याल रखें। अपने पोस्चरल कुरेक्शन से, अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप कमर के दर्द से बच सकते हैं। और अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी, और मेरा क्लिनिक है आदिल हॉस्पिटल DHA लाहौर में, वहाँ पे ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, कीप योर सेल्फ मोबाइल एंड फिट। थैंक यू। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।